हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। अवर टुडेज टॉपिक इज़ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। वी विल स्टडी देम अंडर फॉलोइंग सब हेडिंग्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। नंबर टू, सिचुएशन। नंबर थ्री, एक्सटेंट ऑफ द बेस। नंबर फोर्थ, डीप रिलेशंस। नंबर फिफ्थ, स्ट्रक्चर्स। नंबर सिक्स, ब्लड सप्लाई। नंबर सेवन्थ, नर्व सप्लाई। नंबर एट इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंड नंबर नाइन्थ इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। सो वी विल डिस्क्राइब दिस ऑल पॉइंट्स इन डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। ये पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होने वाला एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। द ब्रेस्ट इज़ फाउंड इन बोथ सेक्सेस। ब्रेस्ट दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स एंड रूडिमेंट्री इन मेल्स। बट ये फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होते हैं एंड मेल्स में रूडिमेंट्री होते हैं। इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट इज द सिचुएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। ये पेक्टोरल रीजन की सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। क्वाड्रेंट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर क्वाड्रेंट्स। ब्रेस्ट को हम फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लेटरल। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। अपर लेटरल क्वाड्रेंट हैज़ ए स्मॉल एक्सटेंशन विच इज़ कॉल्ड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक एक्सटेंशन निकला होता है जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस के नाम से जानते हैं। इट पासेस थ्रू ओपनिंग इन डीप फेशिया एंड लाइज इन द एक्सिला। ये डीप फेशिया की ओपनिंग में से पास होता है एंड एक्सिला में प्रेजेंट होता है। दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ऑफ लैंगर। डीप फेशिया की इस ओपनिंग को फोरामेन ऑफ लैंगर के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट वेयर वी कैन ईजिली सी देयर इंट्रोडक्शन एंड सिचुएशन। दिस इज़ द ब्रेस्ट जो कि सेकेंड से सिक्स्थ रिब के लेवल पर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द निप्पल एंड दिस इज एरियोला। दिस इज़ द एरियोला। ये पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है एंड ब्रेस्ट को हम फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द अपर मीडियल क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस इज़ लोअर मीडियल क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। इसके अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक एक्सटेंशन निकला होता है। दिस इज़ द एक्सटेंशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये डीप फेशिया में एक ओपनिंग बनाता है एंड इस ओपनिंग के थ्रू ये एक्सिला में एंटर कर जाता है। सो दिस एक्सटेंशन इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस एंड ये ओपनिंग फोरामेन ऑफ लैंगर कहलाती है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। थर्ड पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ द बेस। वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब। वर्टिकली ये सेकेंड से सिक्स्थ रिब तक प्रेजेंट होता है एंड सेकेंड, हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। एंड हॉरिजॉन्टली ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द बेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट वर्टिकली सेकेंड रिब से स्टार्ट होता है एंड सिक्स्थ रिब तक प्रेजेंट होता है। दिस इज द लेवल ऑफ सेकेंड रिब एंड दिस इज द सिक्स्थ रिब। सो ये वर्टिकली सेकेंड से सिक्स्थ रिब के लेवल तक प्रेजेंट होता है एंड हॉरिजॉन्टली ये स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट होता है एंड मिड एक्सिलरी लाइन पर जाकर एंड होता है। हॉरिजॉन्टली ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड होता है। दिस इज द निप्पल। निप्पल मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर अवे सिचुएटेड होता है एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर सिचुएटेड होता है। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ निप्पल एंड दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट। फोर्थ पॉइंट इज द डीप रिलेशंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाई डीप टू मेमोरी ग्लैंड। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मेमोरी ग्लैंड के डीप में सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट, डीप फेशिया कवरिंग पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरल फेशिया। मेमोरी ग्लैंड के डीप में डीप फेशिया प्रेजेंट होती है जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल को कवर करती है और इसे हम पेक्टोरल फेशिया के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज मसल्स।
कुछ मसल्स होती हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड के डीप में सिचुएटेड होती हैं, वो हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, सीरेटस एंटीरियर मसल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। थर्ड इज लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू भी मेमोरी ग्लैंड के डीप में सिचुएटेड होते हैं बिटवीन ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल फेशिया, एंड ये ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच में सिचुएटेड होते हैं। सो दिस आर द डीप रिलेशंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फिफ्थ पॉइंट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ब्रेस्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स का बना होता है, फर्स्ट स्किन, सेकेंड पैरेन्काइमा एंड थर्ड इज स्ट्रोमा। नाउ वी डिस्क्राइब दिस ऑल पॉइंट्स इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट इज द स्किन। इट कवर्स द ग्लैंड एंड हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। ये ग्लैंड को कवर करता है एंड इस पर फॉलोइंग फीचर्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज निप्पल। इट हैज़ ए कॉनिकल प्रोजेक्शन विच इज़ कॉल्ड निप्पल। मेमोरी ग्लैंड की स्किन में एक कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम निप्पल के नाम से जानते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर प्रेजेंट होता है एंड मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर दूर सिचुएटेड होता है। इट इज़ पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। निप्पल 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स से पियर्स्ड होता है। इट कंटेन्स सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स। इसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स सिचुएटेड होते हैं। इट हैज़ ए फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। इसमें मॉडिफाइड स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई। एंड निप्पल नर्व सप्लाई से रीच होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर इन द स्किन इज एरियोला। द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल इज पिगमेंटेड एंड इज सर्कुलर शेप्ड इज कॉल्ड द एरियोला। निप्पल के बेस की जो स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है एंड सर्कुलर शेप की होती है जिसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं। इट इज़ रिच इन मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड। इस पर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। दे बिकम इनलार्ज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। एरियोला प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर इनलार्ज हो जाता है एंड आर कॉल्ड ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी, एंड उसे ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी के नाम से जानते हैं। एरियोला इज डेवॉइड ऑफ हेयर एंड फैट। एरियोला पर हेयर एंड फैट प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंड पॉइंट इज अ पैरेन्काइमा। इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड विच सिक्रीट्स मिल्क। ये ट्यूब्यूल्स एंड एल्वियोलाई की बनी ग्लैंड होती है जो कि मिल्क सिक्रीशन का काम करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 15 to 20 लोब्स। ये 15 से 20 लोब्स की बनी होती है। ईच लोब इज़ ए क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। हर लोब में एक एल्वियोलाई का एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है। लोब इज़ ड्रेन्ड बाय अ लैक्टिफेरस डक्ट। हर लोब लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ड्रेन्ड होती है। दिस डक्ट्स ओपन ऑन द निप्पल एंड ये सारी डक्ट्स निप्पल पर ओपन होती है एंड दे हैव अ डायलिटेशन कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनस। एंड इन डक्ट्स में एक डायलिटेशन प्रेजेंट होता है जिसे लैक्टिफेरस साइनस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ वन लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दिस इज़ अ सिंगल लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसमें एक डक्ट प्रेजेंट होती है। दिस डक्ट इज़ नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट एंड उसमें एक डायलिटेशन प्रेजेंट होता है। द डायलिटेशन इज़ नोन एज लैक्टिफेरस साइनस। हर लोब में क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई। दिस इज़ अ सिंगल एल्वियोलाई। ये क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई एक डक्ट के थ्रू ड्रेन करते हैं। दिस डक्ट इज़ नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट एंड उसमें एक डायलिटेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लैक्टिफेरस साइनस। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड। थर्ड स्ट्रक्चर इन द मेमोरी ग्लैंड इज द स्ट्रोमा। इट इज़ द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। ये ग्लैंड का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। इट इज़ पार्शियली फाइब्रस एंड पार्शियली फैटी। ये पार्शियली फाइब्रस टिश्यू का बना होता है एंड पार्शियली फैटी टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा एंड कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच एंकर स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेशिया। फाइब्रस स्ट्रोमा सेप्टा बनाते हैं एंड इन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर के नाम से जानते हैं एंड ये स्किन एंड ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से एंकर और जोड़ने का काम करते हैं। फैटी स्ट्रोमा विच फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। फैटी स्ट्रोमा इस ग्लैंड का मेन बल्क बनाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द ब्रेस्ट। ये ऑल ओवर द ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है बट इट इज़ एब्सेंट ओवर निप्पल एंड एरियोला। बट ये निप्पल एंड एरियोला पर एब्सेंट होता है। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बना होता है। फर्स्ट वन स्किन, दिस इज़ द स्किन। सेकेंड वन पैरेन्काइमा, दिस इज़ द पैरेन्काइमा।
and third one is stroma. This all is the stroma. This is the skin of mammary gland. इसकी skin में दो important structures present होते हैं. First one is the nipple, जो कि conical projection के form में निकला होता है. And second one is areola. Nipple के surrounding जो circular area होता है, उसे आप areola के नाम से जानते हैं. This is the nipple. Nipple में 15 से 20 lactiferous ducts open होती है. And is circular and longitudinal muscle fibers situated होते हैं. And nipple nerve supply से reach होता है. सेकेंड वन इज द पेरेन्काइमा. दिस इज द पेरेन्काइमा. इसका पेरेन्काइमा ट्यूब्यूल्स, दिस इज द ट्यूब्यूल्स एंड एल्वियोलाई का बना होता है. सो इट इज़ अ ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड. इसमें 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. दिस आर द लोब्स जो कि 15 से 20 नंबर में प्रेजेंट होते हैं. हर एक लोब में एल्वियोलाई का क्लस्टर प्रेजेंट होता है. दिस आर द क्लस्टर ऑफ एल. एंड हर एक लोब एक डक्ट के थ्रू ओपन होती है, विच इज़ नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट. एंड हर एक डक्ट में एक डायलिटेशन प्रेजेंट होता है. दिस डायलिटेशन इज नोन एज लैक्टिफेरस साइनस. सो दिस इज द पेरेन्काइमा ऑफ ए मेमरी ग्लैंड. थर्ड स्ट्रक्चर इज द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है एंड ये पार्शली फाइब्रस और पार्शली फैटी होता है. मीन्स ये पार्शली फाइब्रस टिश्यू का बना होता है एंड पार्शली फैटी टिश्यू का बना होता है. फैटी टिश्यू फाइब्रस सेप्टा के बीच में प्रेजेंट होते हैं. दिस आर द फाइब्रस सेप्टा जो कि इन ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से जोड़ने का काम करते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. एंड ये इस स्किन को और ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से एंकर करते हैं. सेकेंड इज फैटी स्ट्रोमा. फैटी स्ट्रोमा फाइब्रस स्ट्रोमा के बीच में प्रेजेंट होता है एंड ब्रेस्ट का मेन बल्क बनाता है. ये ऑल ओवर ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है. सिर्फ निप्पल एंड एरियोला के लेवल पर यह एब्सेंट होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. सिक्स्थ पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड. इट इज सप्लाइड बाय फॉलोइंग आर्टरीज और आर्टीरियल सप्लाई. मेमरी ग्लैंड को फॉलोइंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस होती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टीरियल सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड को फॉलोइंग मेन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है. दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी. एक्सिलरी आर्टरी तीन मेन ब्रांचेस के थ्रू मेमरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है. दिस इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दिस इज एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एंड दिस इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी. ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस होती है एंड मेमरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है. दिस इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस भी मेमरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है. दिस आर द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड दिस आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस भी मेमरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है. सो दिस इज द मेन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट. सेकेंड इज वीनस ड्रेनेज. सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन्स इंटू इंटरनल थोरेसिक वेन एंड सबक्लेवियन वेन्स. मेमरी ग्लैंड की सुपरफिशियल वेन्स इंटरनल थोरेसिक वेन में एंड सबक्लेवियन वेन में वीनस ड्रेनेज करती है एंड डीप वेन्स ड्रेन्स इंटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स. एंड मेमरी ग्लैंड की डीप वेन्स एक्सिलरी वेन में एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में ब्लड ड्रेन करती है. सो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड. सेवेंथ पॉइंट इज द नर्व सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड. इट इज़ सप्लाइड बाई एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ फोर्थ टू सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स. मेमरी ग्लैंड फोर्थ से सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स की एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस के थ्रू सप्लाइड होता है. इट कन्वे फर्स्ट सेंसरी फाइबर्स टू द स्किन एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स टू स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स. ये नर्व्स स्किन को सेंसरी फाइबर्स सप्लाई करती है एंड स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को ऑटोनॉमिक फाइबर्स सप्लाई करती है. So this is the nerve supply of mammary gland. Eighth point is the lymphatic drainage of mammary gland. Lymph drains into following nodes. Mammary gland ka lymph following lymph nodes mein drain hota hai. First axillary lymph nodes. Axillary lymph nodes mein following groups hote hain. Anterior group, posterior group, lateral group, central group and apical group. Second is internal mammary nodes.
थर्ड सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, फोर्थ सिफेलिक नोड्स, फिफ्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, सिक्स्थ सब डायफ्रामेटिक प्लेक्सस एंड सेवेंथ इज सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस. 75% ऑफ द लिम्फ ड्रेन्स इंटू एक्सिलरी नोड्स. मेमरी ग्लैंड का 75% लिम्फ एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन होता है. 20% इंटू इंटरनल मेमरी नोड्स. 20% लिम्फ इंटरनल मेमरी नोड्स में ड्रेन होता है एंड 5% इंटू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स एंड 5% लिम्फ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन होता है. सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्पी, अ प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स इज प्रेजेंट डीप टू द एरियोला. एरियोला के डीप में एक लिम्फ वेसल्स का प्लेक्सस प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड द सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्पी, जिसे सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्पी के नाम से जानते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट. दिस आर द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जिसमें 5 ग्रुप आते हैं. एपाइकल ग्रुप, एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप, पोस्टीरियर एक्सिलरी ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड लेटरल ग्रुप. दिस 5 ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जो कि ब्रेस्ट का 75% लिम्फ ड्रेन करते हैं. दिस इज द सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, जो कि क्लेविकल के ऊपर सिचुएटेड होते हैं एंड ये भी ब्रेस्ट से लिम्फ ड्रेन करते हैं. दिस इज द इंटरनल मेमरी नोड्स. इंटरनल मेमरी नोड्स में भी ब्रेस्ट का 20% लिम्फ ड्रेन होता है. सो दिस इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट. लास्ट पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ मेमरी ग्लैंड. अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा. ब्रेस्ट का अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट कार्सिनोमा की कॉमन साइट होता है. इफ दिस कैंसर सेल्स इनफिल्ट्रेट सस्पेंसरी लिगामेंट, अगर ये कैंसर सेल सस्पेंसरी लिगामेंट में इनफिल्ट्रेट हो जाए देन ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड. तो ब्रेस्ट फिक्स्ड हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट कैन कोज रिट्रैक्शन और फोल्डिंग ऑफ द स्किन. एंड अगर ये लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसकी वजह से स्किन रिट्रैक्ट हो सकती है या स्किन में फोल्डिंग प्रोड्यूस हो सकती है. थर्ड, इफ़ द इनफिल्ट्रेट लैक्टिफेरस डक्ट्स इट कैन कोज रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल. अगर ये कैंसर सेल्स लैक्टिफेरस डक्ट्स में इनफिल्ट्रेट हो जाए तो उसकी वजह से निप्पल रिट्रैक्ट हो सकता है. कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स अक्रॉस द मिड लाइन. एक ब्रेस्ट का कैंसर दूसरे ब्रेस्ट में स्प्रेड हो सकता है क्योंकि मिड लाइन के दोनों तरफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स का कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स बाय कैंसर सेल्स में प्रोड्यूस इडीमा ऑफ द स्किन. अगर सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स कैंसर सेल्स के थ्रू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसकी वजह से स्किन में इडीमा प्रोड्यूस होता है एंड इट लुक्स लाइक दैट ऑफ ए स्किन ऑफ एन ऑरेंज. एंड स्किन ऑरेंज की स्किन जैसी दिखाई देने लगती है, विच इज़ कॉल्ड प्यू डी ऑरेंज अपियरेंस, जिसे प्यू डी ऑरेंज अपियरेंस के नाम से जानते हैं. कैंसर में स्प्रेड टू द एब्डोमेन एंड टू द लीवर टू. ये कैंसर एब्डोमेन में भी स्प्रेड हो सकता है एंड लीवर में भी. मेमोग्राम एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज अ मेथड ऑफ डायग्नोसिस फॉर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. ब्रेस्ट कार्सिनोमा के डायग्नोसिस के लिए मेमोग्राम एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट किए जाते हैं. सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट शुड ऑल्सो भी डन फॉर अर्ली डायग्नोसिस. फीमेल में इस कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना चाहिए. कैंसर ऑफ मेमरी ग्लैंड इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स ऑफ ऑल एजेस, मोस्टली इन पोस्ट मेनोपोजल फीमेल्स. मेमरी ग्लैंड का कैंसर सभी एज ग्रुप की फीमेल्स में प्रेजेंट हो सकता है बट स्पेशली ये पोस्ट मेनोपोजल फीमेल्स में देखने को मिलता है. सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ मेमरी ग्लैंड. So this all were the details of mammary gland or breast. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.